no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज हमारे साथ है यहाँ पे TVS रेडियोन का बिल्कुल ही न्यू वेरिएंट, जो कि अभी 2021 में कंपनी ने लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छे डुअल टोन पेंट स्कीम के साथ आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा रिव्यू इसका करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इसका प्राइसिंग मिल जाता है, कंपनी क्या क्या इसमें आपको चेंजेस ऑफर कर रही है, और क्या 110cc सेगमेंट में इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड से बाइक को, बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। रेड और ब्लैक का यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है, आप देख पा रहे होंगे, और बीच में एक सिल्वर में यहाँ पे लाइनिंग आपको दिख जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। TVS का लोगो जो है वो यहाँ पे 3D में आपको कंपनी ऑफर कर रही है, और इस साइड में यहाँ पे क्लियर में आपको इंडिकेटर्स मिल जाता है। फ्रंट से बात कर लेते हैं तो TVS का लोगो यहाँ आपको मिल रहा है 3D में, और पूरा ही क्रोम प्लेटेड यहाँ पे साइड्स में आपको बिट्स प्रोवाइड किया गया है। रेड कलर का यहाँ पे वाइज़र आपको कंपनी ऑफर कर रही है, और यहाँ पे आपको हेलोजन में ही लाइट्स मिलता है। बल्ब में कंपनी इंडिकेटर्स प्रोवाइड करती है। मैं लाइट्स आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये फ्रेंड्स, अभी आप लाइट्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो है वो हेलोजन में कंपनी लाइट्स प्रोवाइड कर देती है। तो अब हम बाइक को जो है ऑफ़ कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको फ्रंट लुक मिल जाता है, कंप्यूटर टाइप का कंपनी आपको लुक प्रोवाइड कर रही है। 110cc सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको जो लीवर्स है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का मिलता है, और मतलब किसी भी एंगल से 110cc सेगमेंट का आपको फील ये नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं अभी ये जो है आपको रिफ्लेक्टर्स यहाँ मिल जाता है। फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक फोक्स आपको प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे 2/75-18 inch का आपको टायर मिल जाता है। फ्रंट में 5-spoke alloy wheels के साथ आ जाता है, और TVS का यहाँ पे कंपनी आपको टायर्स प्रोवाइड करती है। ड्यूरा ग्रिप का आपको टायर्स यहाँ मिल जाता है, तो टायर्स में ग्रिप आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल जाता है। इस साइड से बात करते हैं तो यहाँ इंजन जो है वो आपको 110cc का मिलता है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। पावर प्रोड्यूस करता है 8.08 bhp का, टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.7 Nm का। तो पावर और टॉर्क 110cc सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाता है। किक कंपनी आपको प्रोवाइड कर दे रही है, और इंजन में यहाँ पे रेड कलर से आपको TVS लिखा हुआ मिल जाता है। इको थ्रस्ट की बैजिंग मिल जाती है, ETFI की इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन की, और रेडियोन का बैज मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको टैंक मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्ट की, तो पूरा ही क्रोम प्लेटेड एग्जॉस्ट का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर रेयर का ब्रेक्स आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रोम पार्ट्स का यूज़ किया गया है राइट हैंड साइड से, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है बाइक देखने में। और यहाँ पे आपको ड्यूरा लाइफ की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स, सामान वगैरह बांधने के लिए एक आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आप आराम से अपना जो है कुछ भी सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको लगेज कैरियर एक मिल जाता है, जिसमें कि आप सामान वगैरह जो है वो ईज़िली बांध सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर टेल लाइट जो है वो आपको बल्ब में मिलता है। इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखा ही दिया है। अगर इस साइड से हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, कंपनी फिटेड अब सभी बाइक्स में कंपलसरी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको इसमें लेडीज़ फुटरेस्ट भी मिल जाएगा, कवर्ड में कंपनी आपको चेन प्रोवाइड करती है। और पीछे फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेते हैं टायर की, तो 3/18 का यहाँ पे आपको टायर कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि 110cc सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है। तो कवर्ड में चेन है, तो मेंटेनेंस भी कम आने वाला है इस बार, और सस्पेंशन जो है वो आपको शॉक एब्जॉर्बर से यहाँ पर मिलता है। तो ओवरऑल में काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आ रहा है। और इस साइड में जो है वो रबर टाइप का यहाँ पर यूज़ किया गया है इंजन में, TVS का लोगो जो आप देख पा रहे होंगे, और इस साइड में क्रोम पार्ट्स का कम यूज़ किया गया है। बट इस साइड से भी अच्छा लग रहा है बाइक लेफ्ट हैंड साइड से देखने में। मैं आपको हॉर्न वगैरह इंजन वगैरह दिखा देता हूँ। वहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग मिल जाता है, डिस्क ब्रेक भी ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, और ये अभी हमारे पास ड्रम ब्रेक वेरिएंट है। अगर प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो एक शोरूम लगभग में 68,500 का आएगा, ऑन रोड लगभग में 81 से 83,000 रुपीज़ के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ हम बात करते हैं इसके मीटर की, तो मीटर जो है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। थोड़ा कार का यहाँ पर डैशबोर्ड टाइप का लुक दिया गया है, और यहाँ आपको TVS का हॉर्स का लोगो मिल जाता है, न्यूट्रल वगैरह का लाइट मिल जाता है। एक बार मैं ऑन करके आपको ऑफ़ करके दिखाता हूँ। तो मीटर कुछ इस टाइप से ऑन होता है, पूरा ही एनालॉग है, डिजिटल कुछ भी यहाँ नहीं मिलता है। इको और पावर इंडिकेटर है। यहाँ साइड स्टैंड एक आपको सेंसर मिल जाता है, इंजन माल फंक्शन लाइट मिल जाता है। मैं साइड स्टैंड सेंसर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं अभी जल रहा है, तो यहाँ पर वो आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स पास का भी स्विच मिल जाता है 110cc सेगमेंट में, हाई बीम लो बीम। यहाँ इंडिकेटर से यहाँ हॉर्न है, तो काफ़ी यहाँ पे आपको लाउड एक हॉर्न कंपनी प्रोवाइड करती है। एक बार फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देता हूँ।
तो एग्जॉस्ट देखा जाए फ्रेंड्स तो 110 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी यहाँ पे आपको स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोटिक मिलता है। अच्छा टैंक का भी जो है वो यहाँ पे काफ़ी मस्कुलर लगता है ऊपर से देखने में। तो 110 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। सीट की जो कुशनिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट है 110 सीसी सेगमेंट में, काफ़ी अच्छा कम्फर्ट आपको प्रोवाइड करेगा राइडर और पिलियन के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड है सीट, और ओवरऑल में फ्रेंड्स ये एक 110 सीसी सेगमेंट के हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल में ये था फ्रेंड्स एक इसका वॉकराउंड रिव्यू। मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट जो है वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।